हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होगे। तो मैं आज गुरुद्वारा साहिब आया था, गुरुद्वारा कुटिया साहिब, जो संत महापुरुष उनका स्थान है, मतलब उनकी काफ़ी मान्यता है यहाँ पर। तो मैं अंदर जाऊँगा, आपको जितना भी हो सके उतना व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अंदर आपको पता ही गुरुद्वारे साहिब में ज़्यादा मोबाइल अलाउड भी नहीं होता है। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आपको भी जरूर दिखाऊंगा। तो मिलते हैं, गुरुद्वारे के दर्शन कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ, बस दर्शन करने जा रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, आज दोपहर का टाइम है इसलिए मतलब संगत कम है, बट सुबह शाम संगत बहुत होती है। मतलब जो शॉपकीपर हैं या मतलब जो भी बिजनेस है, सब मत्था टेकने आते रहते हैं, गुरुजी के दर्शन करने आते रहते हैं, और सुबह शाम कीर्तन भी होता है। दोपहर है तो इसलिए मतलब थोड़ा भीड़ कम है, बट आप लोग दर्शन करिए। मैं कोशिश करूँगा फिर किसी दिन जब कोई समागम होगा या जो भी मतलब पूरनमासी का प्रोग्राम होता है यहाँ पे हर मंथ, तो मैं आऊँगा तो ज़रूर आपको फिर से दर्शन कराऊँगा। तो बस दर्शन करके फिर मिलते हैं आपसे घर पे। हाँ जी दोस्तों, तो मैं घर जा रहा था, वापसी में ई रिक्शा करके जाऊंगा। तो ये ओवर ब्रिज आता है, ये शाहजहाँपुर का रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं 4-5 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। काफ़ी ट्रेनें यहाँ से जाती हैं, जैसे आपकी मध्य प्रदेश हो गया और वेस्ट बंगाल, काफ़ी दूर दूर की ट्रेनें यहाँ से जाती हैं, आप देख सकते हैं। मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने घर आ चुका हूँ, बस आके थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ, क्योंकि बाहर धूप बहुत है, गर्मी बहुत लग रही थी, तो इसलिए फ्रेश हो गया। बस रेस्ट करके अब शॉप खोल ली मैंने। तो बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से ही सब कुछ है। इसलिए बस उसी से जितना आज पहुँचाऊँ आगे उसी से पहुँचना है बस।